आज हम लोग टेंस में ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस टाइम के आधार पर तीन प्रकार के होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का चार पार्ट्स, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट के चार पार्ट्स हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर का भी चार पार्ट्स हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यानी चार चार पार्ट तीनों टेंसेस का है, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित हिंदी वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में दुनिया के सबसे पहले कंसेप्ट के द्वारा करेंगे और सीखेंगे कि कितना आसानी तरीका से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित हिंदी वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान जानेंगे, क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानेंगे कैसे। तो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला हिंदी वाक्य के अंत में, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है लगा रहता है। कभी कभी ता है, ते है, ती है नहीं भी लगा रहता है तो ऐसा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा लेकिन वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए कॉमनली यूज है, कॉमनली आइडेंटिफिकेशन है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है लगा हो, आप मूंद करके आप कहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और मैं बता दूं हम लोगों को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में पांच स्टेटस आता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रैक्टिव, इंट्रैक्टिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। फिर से मैं एक बार बता दूं, यानी प्रत्येक टेंस का पांच स्टेटस होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रैक्टिव, इंट्रैक्टिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जानेंगे और बेहतरीन ढंग से बहुत ही आसान तरीका से हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना जानेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे आर एन वर्बोल, और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को हिंदी से अंग्रेजी में सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधारित वाक्य वो कैसे आसानी पूर्वक बनेंगे, उस कंसेप्ट का नाम है आर एन फॉर्मूला, जिसको हम लोग मजाक में मैडम गुरु जी फॉर्मूला कहते हैं। आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, आर एन फॉर्मूला। आर एन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है किसी भी टेंस के हिंदी वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में आसानी पूर्वक कर सकते हैं। जैसे देखिए हिंदी में अगर रहेगा सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ रहेगा ता है, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है। तो जैसे ही ता है, ते है, ती है लगा रहेगा, इसका मतलब आप जानते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। फिर से समझिए, सबसे पहले हिंदी में रह सकता है सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और मेन वर्ब के साथ ता है, ते है, ती है। यही सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है कि जिस हिंदी वर्ब के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है रहेगा, आप मूंद करके हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट का कोड हम ए मानते हैं,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोड 5 मान लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोड 6 मानते हैं, कंप्लीमेंट का कोड 7 मानते हैं और मेन नंबर का कोड 4 मान लेते हैं। इसमें 2 और 3 नंबर कोड नहीं है क्योंकि 2 नंबर कोड हेल्पिंग वर्ब का होता है और 3 नंबर कोड नॉट का होता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। अब सबसे पहले हम मेन वर्ब ढूंढेंगे यानी 4 नंबर कोड ढूंढेंगे। अब कहिएगा सर हम वाक्य में मेन वर्ब कैसे ढूंढेंगे, तो सिंपल सी तरीका है कि क्या करता है, क्या करते हैं, क्या करती है, क्या करता है, क्या करते हैं, क्या करती है लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो मेन वर्ब यानी 4 नंबर कोड होगा। अगर 4 मिल गया उसके बाद हम 1 नंबर कोड ढूंढेंगे और 1 नंबर कोड कहिएगा कैसे ढूंढेंगे भाई, तो उसी मेन वर्ब के पहले कौन किसने किसे लगाकर क्वेश्चन करेंगे, कौन किसने लगाकर प्रश्न करेंगे और जो उत्तर मिलेगा वो सब्जेक्ट यानी 1 नंबर कोड होगा। उसके बाद हम लोग 5 नंबर कोड में, अब कहिएगा 5 नंबर कोड कैसे ढूंढेंगे, तो उसी मेन वर्ब के पहले किसको, किससे, किसका, किस पर लगाकर क्वेश्चन करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो 5 नंबर कोड यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग 6 नंबर कोड ढूंढेंगे, अब कहेगा 6 नंबर कोड कैसे ढूंढेंगे भाई, तो मेन वर्ब के पहले क्या लगाकर क्वेश्चन करें, सीधे क्या और क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी 6 नंबर कोड। उसके बाद हम लोग कंप्लीमेंट ढूंढेंगे 7 नंबर कोड, वो कैसे ढूंढेंगे भाई, तो कहां, कब, क्यों, कैसे, कहां, किस पद पर लगाकर क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो कंप्लीमेंट यानी 7 नंबर कोड होगा और जिसका उत्तर नहीं मिलेगा समझ जाइए कि वो कोड है ही नहीं। अब हम इंग्लिश में बात करेंगे, तो सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी को लिखेंगे, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 होता है तो मेन वर्ब को यहां से V1 या V5 में लिखेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आता है और तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग सीधे अंक में जाएंगे। अब मेन वर्ब को कान पकड़ के उठा के यहां लाएंगे। अब आप कहिएगा सर कब V1 होगा और कब V5 होगा, तो समझिए सीधी सी बात है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया ही शी इट, ही शी इट सिंगुलर नाउन, तो V5 होगा यानी V1 की हैसियत इज्जत लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया या आई आ गया तो आई और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई वी यू दे, आई प्लूरल नहीं है परंतु आई को 0 प्लूरल माना जाता है लेकिन आई के साथ V1 आता है इसलिए मैंने अलग किया, आई प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, वी यू दे प्लूरल नाउन, तो इनके साथ लगेगा V1। तो सब्जेक्ट के बाद सीधे आंक से मेन वर्ब को ला लिए और V1 या V5 में सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीधे लिख देंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट को लिख देंगे। अब कहिएगा कैसे, एग्जांपल देना चाहूंगा, वह मुझे पटना में कुछ पैसा देती है। अब सबसे पहले पहचानिए कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है कि नहीं है, तो अब कहिएगा सर पहचानेंगे कैसे, तो सीधे चले जाएंगे अंत में और देखेंगे कि क्या ता है, ते है, ती है लगा हुआ है, यही पहचान है इसका। तो अगर ता है, ते है, ती है लगा हुआ है तो आंख मूंद के समझ लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तब देखिए यहां ती है लगा हुआ है तो समझ में आ गया भाई कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि मेन वर्ब ढूंढिए कैसे, तो क्या करता है, क्या करते हैं, क्या करती है,
क्या करती है तो देती है, तो देती है हो गया, इसका मतलब क्या मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के बाद बोले थे सीधे एक नंबर को ढूंढने के लिए, उसी मेन वर्ब के पहले कौन किसने किसे लगाकर प्रश्न करेंगे, उस मेन वर्ब के पहले मेन वर्ब मिल जाएगा ना, तो उस मेन वर्ब के पहले कौन किसने किसे लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। कौन देती है, कौन देती है, वह देती है, सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, यानी एक नंबर कोड। अब मेन वर्ब का कोड है चा। अब उसके बाद बोले थे पांच नंबर कोड ढूंढने के लिए, अब गएगा कैसे, तो मैंने बताया कि मेन वर्ब ढूंढ लीजिए और मेन वर्ब से पहले किसको, किससे, किसका, किस पर लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी पांच नंबर कोड होगा। देख लीजिए किसको देती है, तो मुझे आई ओ मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई ओ मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी पांच नंबर कोड। पांच के बाद मैंने कहा छह नंबर को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे, तो मेन वर्ब के पहले क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे, क्या लगाकर प्रश्न करेंगे जो उत्तर मिलेगा पांच नंबर छह नंबर को यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए क्या देती है, कुछ पैसा, ये हो गया की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, छह नंबर को क्लियर हो गया। अब छह के बाद कोड आता है सा यानी कॉम्प्लीमेंट, कौन सी लगा के, कहां कब क्यों कैसे किस पद पर लगाकर, कहां कब क्यों किस पद पर लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे देखिए मेन वर्ब के पहले हम पूछ रहे हैं कहां देती है, तो पटना में, सात नंबर को यानी कॉम्प्लीमेंट नवी हो गया। अब अगर आपको गिनती आती है ना तो सबसे पहले बताइए क्या होगा, होगा वन, तो वन में क्या है ती है, तो ती मतलब लड़की, तो लड़की मतलब शी, तो यहां आ जाएगा शी, एक नंबर कोड क्या। अब एक नंबर कोड आया, एक के बाद मैंने कहा था चार, एक के बाद चार, चार के बाद पांच, छ, सात। तो अब देखिए मेन वर्ब आएगा, तो देना का क्या होता है गिव, देना का क्या होता है गिव, यहां लिख दिए गिव। तो मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रिफाइव लगेगा, तो शी सिंगुलर के अंतर्गत आता है, इसमें क्या लग जाएगा ई लगा हुआ है, तो एस लगे यानी चार नंबर को। चार के बाद मैंने कहा था पांच, पांच में कहा है देखिए यहां पांच है, तो मुझे का क्या हो जाएगा मी। पांच के बाद मैंने बताया था छ, बताइए छ कहां है, ए यहां कुछ पैसा, कुछ मतलब सम, पैसा मतलब मनी, तो क्या हो गया सम मनी, छह नंबर हो गया, छह के बाद सात, तो सात में क्या है भाई पटना में, पटना में, तो मैं कमी नहीं पटना का, पटना तो हो जाएगा यहां पर हो गया। अब बताइए इससे आसान कोई कंसेप्ट है क्या, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई और कंसेप्ट होगा आप लोगों को। आप एक और एग्जाम्पल देना चाहेंगे, अब एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, वह मुझसे प्यार करती है। अब देखिए वह मुझसे प्यार करती है, तो सबसे पहले देखिए है की है लगा हुआ है, तो की है लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था मेन वर्ब ढूंढने के लिए क्या करता है, क्या करते हैं, क्या करती है, देखिए क्या करती है प्यार करती है, चार नंबर कोड यानी मेन वर्ब, चार नंबर कोड के बाद मैंने कहा एक नंबर कोड कति लगाकर, कौन किसने किसे लगाकर, कौन प्यार करती है, वह सब्जेक्ट हो गया एक नंबर कोड। अब एक के बाद मैंने कहा था पांच, किसको किससे लगाकर किससे प्यार करती है, मुझसे पांच नंबर यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद कोई भैया नहीं है जो ढूंढेगी, तो बताइए सबसे पहले क्या होगा ती है, ती मतलब लड़की, तो क्या हो जाएगा शी,
एक के बाद चार, चार का मतलब क्या होता है लाल, चार वाले तीन चार, लेकिन सी तो सिंगुलर है ना, तो विभाग बनेगा तो क्या लगेगा एस शी लव्स। अच्छा एक के बाद पूछते हैं पांच, मुझसे ना तुमसे, तुमसे नहीं मुझसे, समझे गई, तो मुझसे का क्या होता है मी, लिख देते हैं मी। ओके कितना आसान है, अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, इसीलिए अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और अगर आप ट्रांसलेशन किसी भी बुक में किसी भी किताब से अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन बना लेते हैं तो मैं समझूंगा मेरा ये रिसर्च सफल रहा, मेरा ये शो सफल रहा। और मैं याद दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि एक ऐसा कंसेप्ट है ये कि अगर आप सीख गए तो बिना दिमाग लगाए हुए आप ट्रांसलेशन धड़ल्ले से अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन पहले सीखिए। मैंने जिस तरह से कहा उसको फॉलो कीजिए, अनुसरण कीजिए और समझिए, समझ कर फिर एक दो राइटर की किताब को बनाइए, क्योंकि कंसेप्ट जो होता है वो एक दो ट्रांसलेशन के लिए नहीं होता है, वो हर बुक के लिए होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित हर सेंटेंस के लिए होता है। इसलिए आप एक दो राइटर्स की किताब को पहले बनाएंगे, देखेंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं उसे सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। और इस वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आप बेल आइकन सीधे अंगूठा लेकर दबाएंगे। थैंक यू।